औसत महिला बेड पर कितने देर तक टिक सकती है, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सेक्स में दोनों को, पुरुष और महिला दोनों को संतुष्टि आना जरूरी है। यदि पुरुष की संतुष्टि हुई और महिला की संतुष्टि नहीं हुई तो उसको बोलते हैं प्री मैच्योर इजैक्युलेशन। वैसा औसत टाइम पुरुष का 5 मिनट 40 सेकंड का है, मतलब 5 मिनट 40 सेकंड में उसका इजैक्युलेशन पतन हो जाता है एवरेज में। यदि ऐसा हुआ कि महिला की संतुष्टि हो गई और पुरुष की हुई नहीं तो चलता है, क्योंकि पुरुष आगे चला सकता है, इरेक्शन मेंटेन रहता है और आगे वो कंटिन्यू कर सकता है इंटरकोर्स और अपनी संतुष्टि कर लेता है। इसलिए महिला की पहले होना जरूरी है, महिला की बाद में हो गया तो प्रॉब्लम होता है। अभी सवाल यह आता है कि एक महिला को कितना समय लगता है संतुष्ट होने के लिए। तो हर बार पुरुष के मन में यही रहता है कि क्या मैं मेरे स्त्री पार्टनर को संतुष्ट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बार बार उसके मन में यही विचार आता है। और फिर बहुत बार ऐसा होता है कि शादी के पहले तो लड़के लोग बार बार पूछते रहते हैं, और बार बार पूछने से होता क्या है कि वो लेडी को भी डाउट आता है और वो बोलती है हाँ नहीं हुआ, मज़ा नहीं आया, ऐसा कुछ भी बोल देती है। वो हो सकता है कि कैजुअल भी हो, मगर उसमें लड़के के मन में या पुरुष के मन में बहुत बड़ी चोट पहुँचती कि मैं इतना लायक नहीं हूँ, मैं इतना लायक नहीं हूँ कि भाई उसको संतुष्ट कर सके। तो इसमें पूछना बार बार नहीं है, बार बार पूछने से कभी हो सकता है कि वो नहीं बोल दें। बहुत बार उसको आप पूछते हैं तो उसके हाव भाव, हलचल, सांस का अंदर बाहर होना या शांत हो जाना, उस पर से मालूम पड़ता है कि ये खुश हुई कि नहीं, अदरवाइज आप पूछ सकते हैं। एक महिला अंदाजन 25 मिनट लेती है उसको संतुष्टि मिलने के लिए, उससे भी कहीं ज़्यादा मिनट समय लग सकता है, और वो 25 मिनट में फोर प्ले भी चाहती है। एक स्टडी अमेरिका में और इंग्लैंड में हुआ, उसमें 18 से 35 साल की महिलाएं शामिल थी वो स्टडी में, और उनको जब पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि भाई हमको 25 मिनट एवरेज में लगता है, मतलब एवरेज निकाला सबका तो वो निकला 25 मिनट कि जिसमें 25 मिनट उनको समाधान मिलने में या सेटिस्फाई होने में लगता है। अभी पुरुषों को जो है, पुरुषों की स्टडी अमेरिका में हुई, उसमें यह पाया गया कि एक पुरुष को 11 से 14 मिनट लगते हैं। अभी ये स्टडी में 11 से 14 मिनट है, तो ये 11 से 14 मिनट का टाइम था इंटरकोर्स का, मतलब लिंग का योनि में प्रवेश होना। इसलिए पुरुष ने कभी भी पहले फोर प्ले करना जरूरी है, और जो जो लोग फोर प्ले करते नहीं हैं वो डेफिनेटली उनके महिला पार्टनर को खुश नहीं करते हैं। महिला पार्टनर को समय ज़्यादा लगता है, इसलिए पहले फोर प्ले करो, फोर प्ले करके उसको एक्साइट करो, एक्साइटमेंट के बाद में फिर इंटरकोर्स चालू करो ताकि वो खुश हो जाएगी। फिर यही सर्वे में महिलाओं को पूछ लिया कि आपको कब सेक्स करना अच्छा लगता है, कौन से समय पर, तो उन्होंने बताया कि हमको सुबह जब उठते हैं तो सुबह सेक्स करने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है, सुबह सुबह मूड भी अच्छा रहता है और फ्रेश भी रहते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि रात को जब आते हैं घर पे पुरुष तो काफ़ी लेट भी हो सकता है, थकान भी रहती है, उनको खुद को भी थकान रहती है, महिला को भी दिन भर काम करती है घर में तो थकान रहती है और उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है, नींद भी आती रहती, नींद सवार हो जाती है आँखों के ऊपर। तो इसलिए उन्होंने ये बताया बाय चॉइस कि भाई हमको सुबह किया तो अच्छा लगता है। तो ये पुरुष ने देखना चाहिए कि सुबह किया तो अच्छा है, फोर प्ले करना जरूरी है, और इंटरकोर्स जो है वो कम से कम एवरेज में औसत 5 मिनट 40 सेकंड चलना चाहिए। एक एवरेज महिला को, एक औसत महिला को टोटल टाइम जो लगता है वो एवरेज में 25 मिनट का है, जिसमें फोर प्ले, इंटरकोर्स और आफ्टर प्ले ये भी है। जो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका ख्याल रखो, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।